कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजद नेता शरद यादव से मिलने दिल्ली के स्थित उनके निवास पर पहुंचे। हाल ही में शरद यादव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। राजद नेता से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वे शरद यादव के इस बयान से सहमत हैं कि देश में बुरे हाल है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है। लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी, ये है। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलत फहमी में राहुल जी, आप लगातार ये कहते रहे कि इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली मौजूदा वक्त की सरकार है। अभी ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से बाहर निकली है कि जो हालात मौजूदा वक्त में देश के हैं वो हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, यानी श्रीलंका नहीं। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो था, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं, वो दूसरे देशों को देखकर अपना प्लान बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के माइंड में है कि भैया देखो साउथ कोरिया ने क्या किया, हमें भी करना चाहिए। वो बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ, हमें वैसे बनना है। उस प्रकार से काम नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हम हैं क्या और यहां क्या चल रहा है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो उन्होंने तोड़ी है, इसका रिजल्ट अगले 2-3-4 साल में आएगा और भयंकर भयंकर रिजल्ट आएगा।